तो प्रिंट करने के हवाले से, अगर हमें कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर, तो ये हमारे सामने एक डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, तो ये हमें बता रहा है कि तकरीबन 78 पेजेस का डॉक्यूमेंट है जिसको हम प्रिंट करना चाह रहे हैं। अब ये किस तरह से एग्जीक्यूट होती है प्रिंट की कमांड, कैसे सेटिंग करनी पड़ती है और किस तरह प्रिंटर को कमांड दी जाती है, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमें ये डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है, सबसे पहले हमें लेआउट में जाके ये वाला पेपर का सेट करना है। हालांकि ये सेटिंग्स तो हमें डे वन से ही कर लेनी चाहिए थी कि हम जब इसको प्रिंट करेंगे तो किस पेपर साइज़ पर प्रिंट करेंगे। अब जो हमारा पेपर साइज़ है, जो हमने प्रिंटर में पेपर लगाना है, तो उसके अकॉर्डिंगली इसको सेट करना है। मिसाल के तौर पे अगर पेपर हमें A4 पेपर पे प्रिंट देना है, तो A4 पेपर जो है यहाँ पर सेट किया जाएगा। हालांकि A4 पेपर के और लेटर पेपर के साइज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये 8.5 इंच का है जबकि वो 8.2 इंच का है। उसकी हाइट जो है 11.69 है जबकि उसकी हाइट 11 इंच है। तो चाहे लेटर सेलेक्ट करें A4 सेलेक्ट करें, इनमें इतना मेजरमेंट में डिफरेंस नहीं है, इसलिए आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मसला जब आएगा जब आप पेपर अगर इस पर प्रिंट करना चाह रहे हैं, यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके प्रिंटर में भी लीगल पेपर लगाना है फिर आपने, जिसकी विड्थ 8.5 और हाइट जो है तकरीबन 14 इंच होती है उसकी, ठीक है ना। तो फिर आपका ये पूरा सॉफ्ट कॉपी वाला जो पेपर है वो उस हवाले से सेटअप हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने फोकस करना है कि आपने जो प्रिंटर में पेपर लगाया है वो कौन सा है, उसकी मेजरमेंट्स क्या हैं, और यहाँ पर उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर आपने पेपर को सेट करना है। तो ये जितने भी आपके पेपर्स जो स्क्रीन के अंदर नज़र आ रहे हैं वाइट कलर के, ये फिर उस हिसाब से सेट हो जाएंगे। अब अगर हमने लेटर पेपर पे सेट किया हुआ है, तो इसका मतलब हमारे पास जो टोटल विड्थ है वो 8.5 इंच की है और जो हाइट है तकरीबन 11 इंच की हमारे पास मौजूद है। अब कैसे प्रिंट करेंगे इसको? सबसे पहले प्रिंट निकालने से पहले का एक व्यू, जिसको हम कहते हैं प्रिंट प्रीव्यू। तो प्रिंट प्रीव्यू का पी प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पर आपको दिखाई देगा, और यहाँ पर आपने अच्छे से जूम करके देख लेना है। जैसे दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि ये समझें कि ये आपके प्रिंटर में लगा हुआ पेपर है, और जब आप प्रिंट की कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो एक शीट के ऊपर ये इस तरह से कुछ टेक्स्ट प्रिंट होगा। एक शीट पर कुछ इस तरह से टेक्स्ट प्रिंट होगा, इतने हिस्से पे बॉर्डर आएगा, ये सब ब्लैंक रहेगा, यहाँ तक टेक्स्ट आएगा। आपको लगता है कि हाँ भाई ये सेटिंग मेक श्योर है कि ये सेट है और ये मुझे सही लग रही है, तो ओके। अब सेकंड पेज चेक कर लें अपना, सेकंड पेज पर ये इस तरह से थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, ये सारे पेजेस को आप रिव्यू कर सकते हैं। तो प्रिंट प्रीव्यू मतलब प्रिंट निकालने से पहले का एक व्यू कि ये प्रिंट होने के बाद कैसा नज़र आएगा, वो आप पहले ही जज कर लें। एक और आइडिया है कि मिसाल के तौर पे ये प्रिंट होके कैसा दिखेगा, इसका एक आइडिया ये है कि आप इसको 100% पे अपना जूम लेवल सेट करें। अब स्क्रीन जितने डिस्टेंस पर आपको नजर आ रहा है जैसा, प्रिंट निकलने के बाद भी पेपर पर आपको उतने डिस्टेंस पर ये टेक्स्ट ऐसा ही नजर आएगा। मतलब भाई अगर मुझे इतने डिस्टेंस पे ये पढ़ने में इस तरह से आ रहा है, तो प्रिंट निकलने के बाद भी पेपर पे इसी तरह से मुझे दिखाई देगा, ना इससे छोटा ना इससे बड़ा। तो ये आइडिया है, करने का तरीका है। अब हमने अगर प्रिंट प्रीव्यू देख लिया है और देख लिया है कि हमारे टेक्स्ट पेज के ऊपर प्रॉपरली आ रहा है और उसमें कोई एरर नहीं है, तो उसके बाद जो एक डिवाइस है प्रिंटर, वो आपने अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करनी है। कनेक्ट करके उसमें पेपर इंस्टॉल करने हैं। माइट बी के आप हर कोई तो खरीद नहीं पाता प्रिंटर, तो भाई जिस ऑफिस में या किसी स्कूल में लगी हुई है उसको अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर लें। शुरू में आपको ये थोड़ा प्रॉब्लम होगा कि वो डिवाइस अगर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं है, तो कोई कंप्यूटर का एक्सपर्ट आपको वो इंस्टॉल करके दे उसका सॉफ्टवेयर, ठीक है। क्योंकि वो मुख्तलिफ किस्म की डिवाइसेज आती हैं, तो हर डिवाइस हमारे लैपटॉप में इंस्टॉल नहीं होती है, उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाना पड़ता है। हाँ, जैसे अगर हमने अपने लिए पर्सनल खरीद लिया है और पर्सनल प्रिंटर है और पर्सनल लैपटॉप है, तो ये एक दफ़ा भी आपको किसी से इंस्टॉल कराना पड़ेगा। माइट बी कि अगर आपका इतना एक्सपीरियंस नहीं है तो वो शायद ना कर सकें, लेकिन कुछ प्रिंटर ऐसे भी आते हैं
जो प्लग इन प्ले होते हैं, मतलब आप जैसे ही उसको प्रिंटर को अपने साथ यूएसबी पोर्ट में कनेक्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होके वो कहाँ नज़र आएगा? इंस्टॉल होके वो आपको नज़र आना चाहिए दो तीन जगहों पे। अगर आप विंडोज 7 यूज़ करते हैं तो कंट्रोल पैनल में जाके डिवाइस एंड प्रिंटर के अंदर नज़र आएगा। जैसे यहाँ पर नज़र आना चाहिए, जैसे मेरे पास दिखा रहा है कि ये HP लेजर जेट M1530 MFP इंस्टॉल्ड है, इसके अलावा HP लेजर जेट 1018 इंस्टॉल्ड है। ये क्या है? ये उस प्रिंटर के ड्राइवर्स के नाम है। ड्राइवर यानी कि स्पेशल काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर विच कनेक्ट आवर कंप्यूटर विद प्रिंटर, ठीक है ना? यानी कि मेरा विंडोज़ इस ड्राइवर को प्रिंट देगा, ये ड्राइवर कम्युनिकेट करेगा प्रिंटर से और प्रिंटर को समझाएगा और प्रिंटर इस पर छपाई करना शुरू कर देगा। ये ड्राइवर हर किसी में इंस्टॉल नहीं होते हैं। जब आप प्रिंटर ख़रीदें या प्रिंटर हो कहीं पर, तो अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो किसी से उसको एक दफ़ा आपको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में इंस्टॉल करवाना पड़ेगा। हर प्रिंटर का ड्राइवर अलग होता है, ठीक है? हाँ, ऐसा हो सकता है कि दोनों तीनों प्रिंटर एक ही मॉडल के हैं तो वो ड्राइवर सपोर्ट कर जाएगा। मतलब एक प्रिंटर, तीन रूम में तीन प्रिंटर्स हैं और तीनों का सेम मॉडल है, तो वो एक ही किस्म का ड्राइवर जो आपके लैपटॉप में इंस्टॉल है वो तीनों प्रिंटर पे सपोर्ट करेगा। लेकिन तीनों के मॉडल्स अलग हैं तो तीनों के ड्राइवर्स यानी कि उसके सॉफ्टवेयर अलग होंगे, वो अलग अलग इंस्टॉल कराने पड़ेंगे। जैसे मेरे पास ये दो इंस्टॉल है, ये वाला प्रिंटर है। आपके लैपटॉप की बात नहीं हो रही अभी? हाँ, सारे लैपटॉप से कनेक्ट हो जाएगा। HP ज़रूरी नहीं है HP से कनेक्ट हो, HP डेल एप्सन किसी से भी कनेक्ट हो सकता है। मतलब ब्रांड ब्रांड का सिमिलर होना लाजमी नहीं है, बस प्रिंटर होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, उसका ड्राइवर प्रॉपरली इंस्टॉल करवाना पड़ता है अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में, या करना पड़ता है यूँ कह लें, फिर ही जाके वो उसके साथ कम्युनिकेट हो पाएगा। सही है, ब्रांड का सेम होना लाजमी नहीं है इसके अंदर। अच्छा, अब जब ये इंस्टॉल हो जाए आपके कंप्यूटर में तो उसके बाद ही आप प्रिंट कर सकते हैं। जब तक ये इंस्टॉल नहीं होगा तो आपका वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट किसी भी सॉफ्टवेयर से प्रिंटर कम्युनिकेट नहीं करेगा और वो प्रिंट नहीं हो पाएगा, ठीक है? जब प्रिंटर आपका कनेक्टेड है, मेक श्योर के वो अब प्रिंट करने के काबिल है, प्रिंट हो भी रहा था, तो ही आप प्रिंट की कमांड एग्जीक्यूट कर सकेंगे। अब प्रिंट कैसे करेंगे? फाइल में जाके यहाँ प्रिंट पे क्लिक करेंगे। प्रिंट प्रीव्यू आप देख चुके हैं कि सही है, बिल्कुल पेपर टू पेपर प्रिंट हो रहा है। फिर सेम साइज का पेपर लगा के, अब अगर आपको 78 ही पेपर प्रिंट करने हैं तो आपने करना यह है कि यहाँ से ऑल पे रखकर यहाँ से चूज करना है अपना वो वाला प्रिंटर। अभी देखें दोनों प्रिंटर मेरे पास ऑफलाइन दिखा रहे हैं, चूंकि अभी वो फिजिकली कनेक्टेड नहीं है मेरे कंप्यूटर के साथ, ठीक है ना? जैसे ही फिजिकली मैं उसको कनेक्ट करूंगा प्रिंटर को यूएसबी पोर्ट में, तो यहाँ पर उनका स्टेटस हो जाएगा ऑनलाइन। फिर जो भी प्रिंटर ऑनलाइन होगा मैं उस पर रख के, यहाँ से ऑल पर रख के, जैसे ही यहाँ से इस कमांड को एग्जीक्यूट करूँगा तो वो स्टार्ट करेगा पहले पेपर से प्रिंट करना। और जितनी शीट्स ये लगी हुई होंगी प्रिंटर में, मतलब अगर 78 है तो 78 शीट्स मस्ट बी देयर प्रिंटर में लगी हुई होनी चाहिए, तो वो वन बाय वन प्रिंटर उसको प्रिंट करता जाएगा और 78 पेज को प्रिंट करता है। हाँ, पूरा उसका बंच पेपर का उसमें लगेगा और यहाँ से कमांड एग्जीक्यूट होगी तो वन बाय वन प्रिंट जाएगा, ठीक है ना? ये हो गई पहली ऑप्शन। अच्छा, अब आप ऐसे नहीं चाह रहे, आप चाह रहे हैं शुरू के 5 पेज को प्रिंट कर लिया जाए 78 में से। शुरू के 5 पेज के लिए आपको बताना होगा 1-5 और कमांड को एग्जीक्यूट करना होगा प्रिंटर को चूज करके। इससे क्या होगा, वो 1-5 पेज को प्रिंट करेगा, नन ऑफ के सारे पेजेस को प्रिंट करेगा। इसी तरह अगर आपको सिलेक्टेड पेज को प्रिंट करना है, मिसाल के तौर पे आपने पूरे डॉक्यूमेंट में पॉइंट आउट किया कि मुझे पेज नंबर 19, 38 और 27 प्रिंट करना है, तो उसको इस तरह से लिखना है 19, 38, 37। तो उन सिलेक्टेड पेजेस को यहाँ से प्रिंट की कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो उन सिलेक्टेड पेजेस को ही इन 78 पेजेस में से प्रिंट करेगा जिसका पेज नंबर 19, 28, 27 होगा। एक एक कॉपी देगा, ठीक है?
अच्छा, अब उसके बाद ये तो हो गया सिलेक्टेड एरिया, ठीक है। अब उसके बाद आप कहते हैं कि नहीं भाई, चाहे आप सिलेक्टेड प्रिंट करें, चाहे आप कोई रेंज प्रिंट करें, या सारे ही पेज प्रिंट करें, सबके दो दो पेज प्रिंट करें, तो यहाँ से नंबर ऑफ कॉपीज को हम टू कर देंगे, तो हर पेज की दो कॉपीज को प्रिंट करेगा। अब इसमें भी एक दो किस्म की चॉइस है, एक है चॉइस क्वालिटेड और एक है अनक्वालिटेड। क्वालिटेड में ये होगा कि अगर आपने यहाँ पे दो लिया है या तीन लिया है, तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ रहा है 1 2 3, मतलब 1 to 78 का पूरा एक सेट प्रिंट करेगा, देन रीस्टार्ट करेगा, 1 to 78 का दूसरा सेट प्रिंट करेगा, देन रीस्टार्ट करेगा, 1 to 78 का तीसरा पेज प्रिंट करेगा, और इस तरह ये अपनी टास्क को परफॉर्म करके रुक जाएगा। आप अगर इसको अनक्वालिटेड करके प्रिंट आउट देंगे, फिर क्या करेगा? पहले पेज की तीन कॉपीज को प्रिंट करेगा, सेकंड पेज की तीन कॉपीज को प्रिंट करेगा, थर्ड पेज की थ्री कॉपीज को प्रिंट करेगा, और इस तरह अपने वो 78 पेजेस को प्रिंट करके टास्क को एंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझ लेना है बात को, क्वालिटेड और अनक्वालिटेड क्या है। अब आते हैं नीचे चल के, हमारे पास ऑप्शन आता है करंट पेज का। ये क्या होता है? लेट सपोज अब आप किसी पेज पे मौजूद थे, इस पे पढ़ते 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 फील हुआ ये प्रिंट करना है, यहाँ पर अपना इंसर्शन पॉइंट रखा, यानी कि कर्सर रखा, फाइल में गए, प्रिंट पे क्लिक करा, और ये जानते हुए कि आपको पता नहीं वो पेज नंबर कौन सा है, डायरेक्टली आपने करंट सिलेक्शन पर रख के प्रिंट की कमांड को एग्जीक्यूट कर दिया, तो जिस पेज पे आपका कर्सर था सिर्फ वही प्रिंट होगा पेज, बाकी पेजेस को वो प्रिंट नहीं करेगा। अच्छा, उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आता है वन पेज पर शीट का। अब वन पेज पर शीट, टू पेजेस पर शीट, इसमें क्या फर्क है? यहाँ पर वन पेज पर शीट का मतलब है कि एक जो पेज है वो एक ही शीट पर प्रिंट हो जाए, और टू पेजेस पर शीट का मतलब है कि इसके दो पेज और आपके फिजिकल पेज पे दो प्रिंट हो। होगा कैसे? ये जो आपका पेज होगा वो इस तरह पोर्ट्रेट होगा, उसको ये इस तरह करेगा, एक पेज यहाँ प्रिंट करेगा, दूसरा पेज उसके बराबर में प्रिंट करेगा, और इसी तरह से अगर आप चार पेजेस पर भी क्लिक करेंगे और प्रिंट की कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे, तो छोटा छोटा करके, यानी कि यूँ समझें ये पेज है 1 2 3 4, इस तरह से प्रिंट कर देगा। यूजुअली हम ऐसा नहीं करते हैं, कभी आपके पास अपना पर्सनल प्रिंटर हो या कभी इस तरह का एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिले तो यहाँ से आप उसको सेट कर सकते हैं। यूजुअली हम एक पेज पर एक ही शीट को प्रिंट करते हैं, तो इसको वन पेज पर शीट पर रखते हैं, तो हम एक जैसे ही प्रिंट करते हैं। अब इसमें एक और बात है कि आगे और पीछे कैसे प्रिंट करेंगे, आगे पीछे प्रिंट कैसे करते हैं? पेपर की दो साइड्स होती हैं प्रिंट करने के लिए। अब यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, एक प्रिंटर आता है जिसमें डुप्लेक्सिंग का फीचर होता है, मतलब प्रिंटर के पेज के आगे और पीछे दोनों तरफ प्रिंट करता है, प्रिंटर ही ऐसा होता है, मतलब जब आप यहाँ से कमांड को एग्जीक्यूट कर रहे होंगे तो यहाँ पर प्रिंट करते वक्त, जैसे प्रिंट ऑल पेजेस, यहाँ पर ऑप्शन आएगा प्रिंट ऑन बोथ साइड्स, और जैसे ही आप इसको प्रिंट की कमांड देंगे तो प्रिंटर बखुद पेपर के आगे प्रिंट करेगा, पेपर के पीछे प्रिंट करेगा और बाहर पेपर को निकालेगा। लेकिन ऐसा प्रिंटर में फीचर होना लाजमी है, डुप्लेक्सिंग कहलाता है ऐसा मतलब। लेकिन अगर किसी प्रिंटर में डुप्लेक्स का ऑप्शन नहीं है, तो अगर आप ये कमांड लेके भी उसको कमांड देंगे तो वो डुप्लेक्स नहीं करेगा, वो वन साइड पे प्रिंट करके पेपर बाहर फेंक देगा। ऐसी सूरत में आपने क्या करना है कि ऐसी सूरत में आपको ये वाला फीचर यूज करना है, यहाँ पे क्लिक करके प्रिंट ऑड पेजेस और प्रिंट इवन पेजेस, यानी कि आपने पहले ओनली प्रिंट ऑड पेजेस पे रखना है, ठीक है, और जैसे ही कमांड देंगे प्रिंट की तो पेजेस जो प्रिंट होंगे, पेज नंबर वन प्रिंट होगा, वन के बाद डायरेक्ट थ्री, थ्री के बाद फाइव, फाइव के बाद सेवन, सेवन के बाद नाइन, नाइन के बाद 11 प्रिंट हो जाएंगे, तो उन सारे पेजेस को कलेक्ट करना है और पलट के वापस से लगा देना है, और सेकेंड टाइम में प्रिंट देते वक्त यहाँ से ऑड की जगह पे इवन रख देंगे, तो फिर पेज नंबर 2 4 6 8 10, तो वन के पीछे टू, थ्री के पीछे फोर, फोर के पीछे फाइव, फाइव के पीछे सिक्स, और इस तरह से ये सारे पेजेस प्रिंट हो जाएंगे आगे पीछे, अगर ये क्वांटिटी में करने। अब एक पेज के आगे पीछे प्रिंट करना है तो उसका तरीका ये है कि आप प्रिंट करंट पेज रखें और प्रिंट दे दें, सिंपली वो पेज के आगे प्रिंट कर देगा उसी पेज को, जैसे यहाँ पे प्रिंट होके आया, लेट सपोज ये पेज था, प्रिंट होके बाहर आया,
यहाँ पर प्रिंट हुआ है, यहाँ पर प्रिंट हुआ है, इसको ऐसे घुमाया, दोबारा प्रिंटर में लगा दिया, और यहाँ पर अब पेज नंबर 2 लिख के दोबारा से कमांड दे दिया, तो प्रिंटर उसके दोबारा यहाँ पर छपाई करके दे देगा आपको, आगे पीछे प्रिंट हो जाएगा इस तरीके से। तो ये कमांड्स जो हैं प्रिंट करने के हवाले से सबकी इसी तरह से होती हैं, पर ये है कि आपको जब भी लाइफ में कभी एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिले, आपके सामने प्रिंटर आए, शुरू में 10-12 पेज आपके ख़राब होंगे आपसे, फिर आप सीख जाएंगे, फिर ऑलवेज आप चैम्पियन हो जाएंगे, करते रहेंगे प्रिंट। आपको जब तक ये ऐसा मौका नहीं मिलेगा तब तक आपके दिमाग में कन्फ्यूजन ज़रूर रहेगा, लेकिन उस कन्फ्यूजन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। 95% यहाँ पर काम है, ये आपको समझ में आनी चाहिए मैथ। 5% काम प्रिंटर का है बस, ठीक है ना। यहाँ पर नहीं समझ में आएगा तो ऑलवेज कंफ्यूज रहेंगे, प्रिंट दूँ कहाँ से, प्रिंट देना यहाँ से, एडजस्टमेंट यहाँ से, प्रिंटर का काम है सिर्फ प्रिंट करना, छपाई करना, ठीक है, क्लियर हो गई, चलें।